57 में उपचुनाव के बारे में आप क्या बताएंगे? हम राष्ट्रवादी वाले, पवार साहब के विकास में चलने वाले, पवार साहब के साथ चलेंगे। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि वो वार्ड में गदर मचा हुआ है, नौजवानों के आंदोलन सम्राट जिनको निरस्त कर दिया गया है चुनाव से किसी साजिश के तहत, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भाई साहब हमारे गुरु है और वो हमारे, हम उनके मुरीद हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं रहेंगे। जिस तरह से अभी ये खबर जो है गश्त कर रही है कि भाई साहब और उनके समर्थक साहब के जितेंद्र आवाड़ के लाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए थे, उसका नतीजा ये निकला कि मुमरा के तमाम मुसलमान नेताओं को निरस्त किया गया, काटा। नहीं, अब जिस तरह से भाई साहब को निरस्त किया गया उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? तो यानी अभी जिस तरह से गदर मचे हुए, ये खबर आ रही है कि भाई साहब जितेंद्र आवाड़ साहब जिधर बोलेंगे हम उधर काम करेंगे, विश्व के लिए काम करेंगे, दादूत के लिए हमारे दिल में बहुत सहानुभूति है, दादूत का काम हम करेंगे। एमएलए के इलेक्शन में खबर आ रही है कि भाई साहब जो है MIM या समाजवादी के आमदार का चुनाव लड़ेंगे। वक्त आने पे उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। अभी जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं अगले इलेक्शन के लिए भाई साहब या मुस्लिम कयादत के लिए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? जितेंद्र आवाड़ ने मुमरा को विकास दिया है और हम विकास की राह पे साथों साथ चलेंगे, भाई साहब हमारे धर्म गुरु है। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी मुस्लिम कयादत थी